प्रदेश की त्रिवेंद्र सरकार को सूबे की कमान संभाले हुए 1.5 साल का वक्त हो गया है, लेकिन लगता है कि जनता को त्रिवेंद्र सरकार का साथ ज्यादा रास नहीं आ रहा है। मामला चमोली जिले के थराली इलाके का है, जहां वित्त मंत्री प्रकाश पंत आपदा ग्रस्त गांव का निरीक्षण करने पहुंचे थे, लेकिन वित्त मंत्री 4 किलोमीटर दूर से ही आपदा ग्रस्त इलाकों को देखकर वापस जाने लगे। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने वित्त मंत्री को जाते हुए देख उनसे इलाके में एक बार जाने की अपील की, मगर वित्त मंत्री नहीं रुके और वापस जाने लगे। इसे देख ग्रामीणों का गुस्सा भड़क गया और वो लोग अधिकारियों से उलझ पड़े। ग्रामीणों ने बताया कि अगर मंत्री यहां दौरा करने आए थे तो उन्हें ग्रामीणों की बात सुननी चाहिए थी। करने का तात्पर्य है कि हमारे माननीय पंत जी जो कि वित्त मंत्री हैं, वो यहां से आपदा प्रभावित गांव तक नहीं जा रहे हैं। इस वास्ते हम इनका विरोध कर रहे हैं यहां पे। क्या आप लोगों की परेशानी? हमारी समस्या ये है कि ये जो आपदा प्रभावित है उनकी मानक जो भी है उनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। उत्तराखंड सरकार इसका जिम्मेदार रहेगी। ऐसा पहली बार नहीं है जब उत्तराखंड सरकार के मंत्री को ग्रामीणों का विरोध झेलते हुए मौके से निकलना पड़ा हो। इससे पहले कुछ महिलाएं सीएम त्रिवेंद्र रावत का भी विरोध कर चुकी हैं। चमोली से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।